मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी देहरा में भारी मतों से जीत के बाद गुरुवार को शिमला पहुंची। सरकारी आवास ओक ओवर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और पटाखों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। देहरा से जीत के बाद शिमला पहुंची नवनिर्वाचित विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि 25 साल बाद देहरा में कांग्रेस जीती है और वहां पर पीने के पानी और सड़कों की समस्याएं ज्यादा हैं। क्या बोली कमलेश ठाकुर, सुनिए। देखिए, चुनाव का नाम ही चुनौती है। जब आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हो तो वो चुनौती होती है। चुनौतियां थी, पर मैं अपने सहयोगियों की सहायता से उस चुनौतियों से पार हुई हूँ। देखिए, जैसे जैसे मैंने चुनाव नॉमिनेशन भरा था, उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी, फील्ड में शुरू किया था, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की, बिजली की और सड़कों की, तो वो मैं एक मेन काम रहेगा कि मैं उनको पूरा करूँ। देखिए, देहरा के लोग 25 साल से वहाँ पे कोई भी हमारा कांग्रेस पार्टी का कोई भी आज तक MLA नहीं रहा, और लोगों ने देखा कि इस बार हमारी जो कांग्रेस पार्टी का एक विकास की तरफ लोगों ने ध्यान दिया कि विकास हो रहा है, और हमारी जो नीतियाँ थी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस सरकार की, उन नीतियों को उनसे प्रेरित होकर कांग्रेस सरकार का साथ दिया उन्होंने और मुझे अपनाया। देखिए, ये मेरा दायित्व भी बनता था क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ और वो मेरे भाई भी लगते हैं, तो मैंने क्यों किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने, वो उनका काम था, मेरा अपना काम था, तो इसलिए मेरा मतलब कि कॉन्शियस अलाउ नहीं करता मैं किसी के ऊपर ऐसे लांछन लगाऊँ। देखिए, वो पत्नी तो मैं हूँ और लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी, मैं यही मतलब कि मेहनत करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं लोगों की नज़रों में और भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ मैं उनकी नज़रों में अच्छी उतरूँ। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।